Assalamualaikum, good morning, Subha Bakhair, Pakistan. कैसे हैं आप लोग? मैं हूं माही शेख, उम्मीद यही बिल्कुल ठीक होंगे और जबरदस्त होंगे. हमेशा की तरह आज मेरा दिन बहुत अच्छा और जबरदस्त है. और सबसे अच्छी बात क्या है, आज आप मुझे देख रहे हैं थोड़े भड़कीले से कपड़ों में और आज कुछ मजेदार सा होने वाला प्रोग्राम में. चलें जी, आपको हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, इंतजार की घड़ियां जो खत्म हुई. आज ही हमारे प्रोग्राम में बहुत सारा हल्ला गुल्ला हंगामा और साथ में आज हम आपको सिखाएंगे मेकओवर करना. अच्छा, पहले ये मेकओवर का जो डे था वो संडे था, रमजान संडे वाले दिन मेकओवर करते थे, लेकिन आज हमने अब क्योंकि उनकी मसरूफियात की बिना पर कुछ शिफ्ट कर दिया गया और अब आपको मॉर्निंग सुबह खैर में नजर आएंगे हमारे साथ. अच्छा जी, लेकिन उसके साथ साथ रमजान के हवाले से मैंने स्टार्ट प्रोग्राम का पहले ही कर दिया और बता दिया, लेकिन जो चीजें हमें बतानी है पहले उससे शुरू करते हैं. आज हम आपको सिखाएंगे हेयर कट बेसिकली, और क्योंकि कोई भी जब आपका एक एक दिन आता है और जो आपका दिन होता है, जब मैं कहती हूँ कि हमेशा दुल्हन बनना होता है ना, जब आपने या ग्रूम बनना होता है, ब्राइड और ग्रूम का वो दिन होता है, सारी दुनिया के जो दिन होते हैं उनमें सबसे खूबसूरत दिन वही होता है एक लड़की और एक लड़के के लिए. तो आप चाहते हैं आपका दिन बहुत स्पेशल हो, आप बहुत प्यारे लगें, खूबसूरत लगें, तो आप अपने आप को किस तरह से प्यारा बना सकते हैं, कैसे खूबसूरत कर सकते हैं, और इसीलिए हम अवेयरनेस देते हैं आपको कि आपका दिन किस तरह से बेहतर हो सकता है. तो आज इस पर बात करेंगे. हमारे साथ स्टार स्टाइलिश की जो सीईओ हैं सफिया, वो मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहूंगी. कैसी हैं आप? अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई प्रोग्राम में, और मुझे पता है बड़ी मसरूफियात होती है उसके बावजूद, और सुबह सुबह आज आप देख रहे हैं हमें सबको जो है वो डिफरेंट कलर्स में नजर आ रहे हैं, इसलिए आज आपको भी. अच्छा, मैंने तो सर्दियों में पिस्ते ज्यादा खा लिए थे इसलिए ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है. अच्छा, माशाल्लाह आप वाहिद खातून हैं जिन्होंने स्टार स्टाइलिश को की बुनियाद रखी, फिर उसको स्टार्ट किया. थोड़ा सा अगर कैरियर के हवाले से बता दें हमें. ऐसा है कि मैं वाहिद ऑर्गेनाइजर हूँ के जो डिफरेंट सिटीज में जाके लड़कियों को ब्यूटी शोज के और शोज किए हैं, तो उनके अंदर अवेयरनेस, क्योंकि इस चीज को, जिस चीज को मैंने कमी देखी गई है हमारे माशरे में कि जो ब्यूटिशियन की फील्ड है वहां पे मेकअप को नहीं बताया जाता. कोई भी आर्टिस्ट अगर आता है, कोई शो होता है, तो वो प्रॉपर अपना आप बताता नहीं है, वर्क सिखाता नहीं है कि क्या चीज है, वो प्रोडक्ट्स में उलझा देते हैं. तो जब मैंने सरमजान का वर्क देखा तब मुझे इनका काम बहुत पसंद आया और मुझे ये चीज कमी फील हुई हमारे माशरे के अंदर. तब मैंने डिफरेंट सिटीज में जाके उनके लिए जो है वो शोज ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि मुझे डिफरेंट सिटीज से सभी कहते थे कि हमारे सिटी में आके ये शो करें, ये हमारे भी सिटी में आके शो करें. तो फिर मैं डिफरेंट सिटीज में जाती थी, मैं शो किए और एक साल में 50 से अबव शोज किए हैं डिफरेंट सिटीज. अच्छा, वाओ, जबरदस्त, तो बहुत अच्छी बात है. और दूसरी बात ये कि लोग सीखना भी चाहते हैं, ठीक है, जब एक चीज सीखने की आपके पास है ही नहीं है तो लोग किस तरह से. बिल्कुल, फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट के नाम पे, जहां पे लड़कियों को ग्रूम किया जाता है, उन्हें हुनर सिखाया जाता है और इन्हें बिजनेस आगे कैसे आपने चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे लेके चलना है, कैसे कामयाब जिंदगी गुजार सकती हैं, वो सारा कुछ हम अपने इंस्टीट्यूट में उनको ग्रूम करते हैं, सिखाते हैं. बिल्कुल ठीक हो गया. बिजनेस के हवाले से ये सब बातें हम प्रोग्राम में आपके से पूछते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम जो है वो रमजान का तारुफ भी करवा दें प्रोग्राम में. उनका आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे हम कुछ सीखेंगे नहीं. तो हम जी दावत देते हैं अपने प्रोग्राम में रमजान को, जिन्हें किंग ऑफ द मेकओवर भी कहते हैं, और उसके अलावा जी हुकूमत ने एक अवार्ड से भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा है. तो रमजान को वेलकम करेंगे. आए जी रमजान, तशरीफ लाएं जल्दी से, वेलकम आपको. कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपकी और मेरी. स्केड्यूल बिजी था जी. मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जितने भी हमारा शो देखने वाले हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर. खास तौर पे एक महीने का गैप आ चुका था, बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल था, संडे को शो होता था, लेकिन अब आपको माही के साथ ही हम नजर आया करेंगे इसी शो में, डिफरेंट डेज में, जिसमें आज हम आपको इंटरनेशनल हेयर कट प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, पढ़ाएंगे और सिखाएंगे कि रियल हेयर कट जो है वो कैसे किया जाता है. तो साथ ही हम काम शुरू करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो वैसे ही थोड़ा सा टाइम पीरियड शॉर्ट हो गया पहले. और हमारे शो का मकसद भी ये है कि इंटरनेशनल हेयर कट जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाए जाए, या मेकअप भी जब हम करते हैं तो वो भी वर्ल्ड क्लास मेकअप प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, पढ़ाया जाए और सिखाया जाए. सबसे पहले हमने क्या करना है, कपड़ा चाहिए होगा. जब भी आपने हेयर कट करना है तो व्हाइट कलर का कपड़ा यूज करना है, ये सबसे बड़ी. अच्छा, इसमें व्हाइट में क्या मेथ होती है?
आप जब हेयर कट करते हैं तो आपको बाल जो है वो प्रॉपर नजर आते हैं बिल्कुल कि बालों को कहाँ पे रखना है। और मोस्टली मैंने देखा है लोग ब्लैक यूज करते हैं और वो एक्सट्रीम रॉन्ग है। Okay. वो एक्सट्रीम गलत है। और जितने भी लोग बालों को भिगो के काटते हैं वो भी एक्सट्रीम गलत है। अच्छा भिगो के नहीं काटते? भिगो के कभी भी बालों को नहीं कट करना। और जब भी कपड़े को इस तरह से आपने बांधना है तो सब्जेक्ट को इरिटेट नहीं करना। बहुत से लोग इतने टाइम में सब्जेक्ट को इस तरह मूव कर करके इरिटेट कर चुके होते हैं। थोड़ा सा मॉडल पीछे होइएगा प्लीज, पीछे होइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा रमजान मुझे आपसे एक बात पूछनी है, बल्कि मेरे साथ तमाम लोगों को पूछे। अभी आपने कहा कि बालों को भिगो के कट नहीं करते। मैंने आज तक जितने भी सैलून्स देखे हैं, इवन हम खुद भी कटिंग करवाने जाते हैं, तो हमेशा बालों को गीला करके उन्हें फिर कट किया जाता है। कहते हैं जी स्टेट सही हो जाते हैं, उसमें क्या बिल्कुल है? भी वो एक्सट्रीम गलत है। बाल जब आप भिगोते हैं, एक तो पानी आपके पूरी स्किन पे लग रहा होता है, सब्जेक्ट परेशान हो जाता है। दूसरा उसमें बालों की सीक्वेंस नहीं आता, बाल जुड़े होते हैं आपस में, वो किसी भी तरह से कट जाते हैं। और वो मैं आपको बताता हूँ फिर गलत क्या करते हैं। फिर जो लड़की का ये टॉप क्राउन है ये लॉन्ग छोड़ देते हैं। हर लड़की 95% पाकिस्तान में क्राउन लॉन्ग होगा और ये बैक के लेंथ के बाल शॉर्ट होंगे। आज हम देखते हैं इनके बाल किस तरह के हैं, साथ साथ मैं फिर आपको तरतीब बताता चलूंगा। सबसे पहले हम क्राउन के बालों को क्लिप करेंगे, थोड़ा इधर रखिएगा ताकि कैमरा देखने वालों को आसानी से दिखा पाए। क्राउन के बाल बोलते हैं एक कान से लेकर दूसरे कान तक के टॉप के पोर्शन को हमने क्लिप करना है। जब भी कोई भी हेयर कट करना है, किसी भी तरह का हेयर कट करना है, वेज हेयर कट करना है, बॉब हेयर कट करना है, या लॉन्ग लेयर या शॉर्ट लेयर, किसी भी तरह का हेयर कट करना है, सबसे पहले हमने क्राउन के बालों को क्लिप करना है। और क्राउन बोलते हैं एक कान से लेकर दूसरे कान तक के टॉप के पोर्शन को। अभी आपके सामने मैं क्राउन बना रहा हूं, अगर ये बैक से थोड़ा सा फेस आप इधर कीजिएगा ताकि देखने वाले आसानी से। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में रियल हुनर आए। 70 साल तारीख में किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया। एनजीओ तो बहुत बन गए और कपड़े भी बहुत से लोग बेच रहे हैं, लेकिन कोई एजुकेशन पे काम नहीं कर रहा कि इस कॉम को इसकी एजुकेशन दी जाए। क्लिप दे दीजिएगा प्लीज। अच्छा हमारे मुल्क में असल में ये भी तो है कि हम लोग मेकओवर को एक वो समझते ही नहीं। हमें लगता है हमें अच्छा सा मेकअप करना आ गया, बस सैलून खोल दे, ये गलत है। ठीक है, हम एजुकेशन लेते ही नहीं है, इसकी एजुकेशन प्रॉपर इसको पढ़ के समझ के करना चाहिए। अच्छा अभी मैंने क्राउन के उधर देखिएगा कैमरे को, सबसे पहले मैंने क्राउन के बालों को क्लिप कर दिया। और जितने भी इस फील्ड में ब्यूटिशियन या जितने लोग काम कर रहे हैं वो जब पार्टीशन करते हैं तो सारे के सारे बाल, अभी सिर्फ मैं एक दिखाने के लिए करने लगा हूं कि वो ऐसे कर देते हैं, सब्जेक्ट को ये अरगमाल बना देते हैं एक्सट्रीम पे जाके। यानी गीले बाल एक ऊपर से ये गलत ऐसे करते हैं। ये मैंने तो करके दिखाया और लोग पूरी कंट्री में ऐसा कर रहे हैं, तो आप देखें कितना गलत हो रहा है। सबसे पहले अच्छे तरीके से पार्टीशन करें। दोबारा पार्टीशन को क्लिप करता हूं। ये बातें प्रैक्टिकल करके दिखाना जरूरी है ताकि लोगों के माइंड में आ सके कि ये चीज इस तरह नहीं होनी चाहिए। इसको हमने दोबारा से अच्छे तरीके से क्लिप करना है। क्लिप करने के बाद ब्लो ड्राई चाहिए होगा, ब्लो ड्राई ब्रश चाहिए होगा ताकि हम आज का हेयर कट शुरू कर सके। एक और क्लिप चाहिए होगा। अच्छी तरह पार्टीशन करेंगे, क्लियर क्लिप प्रॉपर करेंगे ताकि आपके बाल दूसरे आपको डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद हमने क्या करना है, अभी इस साइड पे देखिएगा इधर, ताकि ये वाला कैमरा आपको कैप्चर करे। और हमारी जो जिम्मेदारी है, हम जो चाहते हैं हमारे मुल्क में एजुकेशन आए, वो प्रॉपर उसकी बात हो सके, प्रैक्टिकल हो सके। अब लॉन्ग लेयर के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, बैक के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से, दिखा पा रहे हैं जी इसको, हमने अच्छे तरीके से ये थोड़ा सा इधर और कीजिएगा, दरमियान से हमने इसकी पार्टीशन कर दी। एक पार्टीशन को हमने यहां कट करना है, दूसरी पार्टीशन को हमने यहां कट करना है। अब आप सामने देखिएगा, अभी चाहिए होगा ब्लो ड्राई ब्रश, और ब्लो ड्राई करना चाहिए जब भी आपने हेयर कट करना है, ब्लो ड्राई करना लाजम है। ओके, ये होगा ब्लो ड्राई ब्रश। ब्लो ड्राई की चार एंगल है। अब ये एंगल मैं मेरे ख्याल में ये वाला कैमरा दिखाएगा, क्लोज कर दें प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका, रोज टीवी की टीम बहुत बड़ी एफर्ट कर रही है यहाँ का। आ जाए प्लीज, लोग हमारे शो का मकसद ये है कि रियल एजुकेशन बताई जाए। अगर हम लोगों को क्लोज से नहीं दिखाएंगे, फिर बच्चियां पाकिस्तान से बाहर सवाल करती हैं कि हमें क्लोज दिखाया करें। लोग वॉकें तो वैसे भी बहुत करवा रहे हैं, तो आप अगर ये जिम्मा उठाया तो क्लोज से दिखाया करें। अच्छा इसके पांच एंगल मैं बताता चलूं। सबसे पहले इसकी डाउन लेयर का एंगल होता है, उसके बाद इसका लेफ्ट लेयर का एंगल होगा, फिर ये इसका अप लेयर का एंगल होगा, फिर ये राइट एंगल होगा, और पांचवा एंगल ब्लो ड्राई करके सेट करके इसको कट करने की जानब आएंगे। सही, सही, ये मैंने सही एंगल बता दिया। अब मैं प्रैक्टिकल करता हूं,
और ब्लो ड्राई दुनिया हेयर स्टाइलिंग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है ब्लो ड्राई। जब भी आपने ब्लो ड्राई को करना है तो इसकी कैप जो है ये प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। कैप भी टेढ़ी सी लगा काम भी करते अच्छा, चलें हम ये क्या करेंगे कि आपके जो बाकी कट है वो हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, जल्दी से वापस आइएगा, साथ दीजिएगा सुबह खैर पाकिस्तान में, और मिस मत कीजिएगा कि आज ब्लो ड्राई के थ्रू आप किस तरह से कटिंग सीखेंगे। सुबह खैर पाकिस्तान, वेलकम बैक एक दफा से फिर आप लोगों को। और जैसे कि हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था, आज हम आपको कटिंग सिखाएंगे, हेयर स्टाइल सिखाएंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं जी दो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत। मुलाकात आप लोगों की पहले हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने अभी अभी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया उनको हम बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं रमजान, जो कि आज हमें कट करना सिखा रहे हैं। हम लॉन्ग लेयर और शॉर्ट लेयर हेयर कट प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, मैंने दो शख्सियत कहा था, दूसरे का आपने तारुफ नहीं करवाने दिया मुझे। दूसरी जी सीईओ है सफिया, उनका भी तारुफ करवा देते हैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, इसलिए दोनों का बताना बहुत जरूरी था। बिल्कुल ठीक है, अब हम आते हैं काम की जानब। अभी ब्रेक थी, लेकिन ब्रेक के बावजूद हमने टाइम की कमी है, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हम आपको एक एक हुनर की टेक्निक सिखाएं, ताकि आप आर्टिस्ट बन सकें, आप रियल हेयर स्टाइलिस्ट बन सकें। तो हमारी हमेशा से ये एफर्ट है कि बाकी स्टूडेंट हमारे भी यहाँ पे मौजूद हैं, और ये भी अगर तवज्जो रखेंगे तो काम को ये हमने सबसे पहले राइट ब्लो ड्राई करना है, राइट साइड से ब्लो ड्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये एंगल यहाँ से हमने पहले राइट साइड से ब्लो ड्राई करना है, और ये कलाई से हल्का सा ब्रश घूमता हुआ आएगा, थोड़ा फास्ट भी करूँगा ताकि टाइम हमारे पास एक घंटा है, तो इसलिए हम हेयर कट कंप्लीट करके उसके बाद डाउन एंगल आपको दिखा सके, पढ़ा सके, बता सके। कभी भी बालों को भिगो के मत कट करें, और उसकी प्रॉपर पहले पार्टीशन करें, पार्टीशन करने के बाद फिर हेयर कट करें प्रैक्टिकल। अच्छी तरह से इसको हम ब्लो ड्राई करेंगे, अच्छी तरह से इसको हम ब्लो ड्राई करेंगे, और ये जो सबसे डाउन एंगल है, अभी मैं वो वाला ब्लो ड्राई कर रहा हूँ, ये सबसे जो डाउन एंगल है, एंगल आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ब्लो ड्राई को करना है, किस तरह से ब्लो ड्राई रखना है। और आवाज अच्छी तरह से इसको हम ब्लो ड्राई करेंगे, राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट लेफ्ट अप, ये अप और ये डाउन। ब्लो ड्राई करते हुए कहाँ कहाँ मूव होना है ये आप सब गौर से देख लें अच्छी तरह से, कि ब्लो ड्राई को करते करते कहाँ पे मूव होना है, और एंड पे आके हमने इसको अच्छा सा हल्का सा इन्वर्ट करना है। ये पकड़े प्लीज, इसको हमने अच्छा सा इन्वर्ट करना है ताकि ये अच्छी तरह से। मेरे ख्याल में मेरे समेत बहुत सारे लोग आज फर्स्ट टाइम ब्लो ड्राई के साथ कटिंग होते हुए देखेंगे। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे चिन डाउन रखिएगा प्लीज, ताकि उधर से उनको सब सैरिश थोड़ी सी चिन डाउन कर लें, ताकि सैरिश नाम है जिनका, तो हमने तारुफ करवाया नहीं, जो सबसे ज्यादा जिनका मेन आज काम है कि उनकी हेयर कट है, और सैरिश का हमने तारुफ नहीं करवाया। अच्छी तरह से हमने इसको ब्लो ड्राई करना है, ये जो अभी मैं ब्लो ड्राई कर रहा हूँ, या हल्का सा अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं इनवर्ट ब्लो ड्रायर। हल्का सा मूव करेंगे, और मूव करने के बाद हम इसको, ये तार को आप पकड़ के रखें, तवज्जो रखें। हमारे सबसे ज़्यादा कोशिश है कि जितने हमारे साथ काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट, जो काम सीख रहे होते हैं, एक एक टेक्निक उनको पता हो। अच्छा, सामने देखिएगा यहाँ पे, बहुत शुक्रिया आपका। सही। इसको हमने अच्छी तरह से ब्लो ड्राई किया, ब्लो ड्राई करने के बाद हमने ये जो हमारी शहादत की फिंगर है, इसमें बालों को पकड़ेंगे, और यहाँ पे पकड़ के यहाँ से हम सीजर ऊपर की जानब इनको कट कर देंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि हमें थोड़ा सा नजर आ जाए, थोड़ा सा ऊपर की ये लें जी। हाँ। ये हमने इसको यहाँ पे रखा। अच्छा, अक्सरियत करती क्या है पाकिस्तान में, जो आपने बात पूछी थी भिगो के काटने कट करने वाली, ठीक, ये ऊपर वाली लेयर लॉन्ग छोड़ देते हैं। सही सही, बिल्कुल, ये लेयर आ रही है बिल्कुल यहाँ से, और ये लॉन्ग है, जो नीचे की लेयर है सारे लोग शॉर्ट कर देते हैं। 95% सारी लड़कियां, अभी आपने बाल देख लें, उनके जो वो लेयर है वो शॉर्ट हो गया। मैं कट करता, ये कट करते हुए थोड़ा सा इसको जरा जूम कर दें, ताकि देखने वालों को समझ आ जाए कि ये किस चीज पे आप कट हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक हो गया, ऊपर की जानब रखेंगे, और ये हम इसको कट कर देंगे। बिल्कुल सही। कभी भी यहाँ पे क्या करते हैं, कर्तव्य करते हैं, काम नहीं करते। ठीक, कर्तव्य एक और चीज है, एक हुनर के साथ काम को पढ़ के समझ के प्रैक्टिकल करना ये एक और चीज है। सबसे पहले हमने ये इसको लेयर में इसको हमने कट कर दिया, ये लेयर सबको अगर नजर आ रही है तो ये हमने इसको लेयर में कट कर दिया। बिल्कुल ठीक है, ये अब लेयर क्लियर हो गई है देखने वालों के लिए।
अब हमने क्या करना है, साइड के बिल्कुल कान के बाल, ये जो हाफ आईब्रो के बाल हैं, इनको हमने क्लिप करना है। और जितने स्टूडेंट यहाँ मौजूद है उनको समझ आ रही है मेरे ख्याल में? चलें जी, अल्लाह पाक आपको सिखाए, और ये दिल से सीखें जो सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है, दिल से सीखें, क्योंकि कल इन्होंने भी किसी की कटिंग करनी है और किसी का मेकओवर करना है। हाँ, तो ये आज सीखेंगे तो कल को कोई अच्छा मेकओवर करेंगे। ब्यूटिशियंस पूरी पूरी नस्लें तबाह कर रहे हैं, यानी एक लड़की सीखेगी और अगर वो अच्छा नहीं सीख रही तो वो नेक्स्ट सिखाएगी गलती सिखाएगी। ये हाफ आईब्रो की मैंने लेयर निकाली है, थोड़ा सा इधर देखें, और इसको मैंने तिरछी लेयर निकाला है, ठीक, यानी जो हमारा ये डाउन है बैक, इससे पहले पहले की लेयर मैंने निकाली। और अब हम इसको ब्लो ड्राई करेंगे राइट लेफ्ट अप डाउन, और फिर ब्लो ड्राई करने के बाद ये दीजिएगा प्लीज ब्लो ड्रायर। दुनिया हेयर स्टाइलिंग में जितने इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो स्टाइलिंग ब्लो ड्रायर से करते हैं, क्योंकि ब्लो ड्रायर जो है ये आपको बालों में सेहत आती है इससे, क्योंकि ये खून का सर्कल इससे तेज होता है तो बाल सेहतमंद होते हैं। वर्ल्ड क्लास स्टाइलिस्ट तमाम ब्लो ड्रायर से स्टाइलिंग करते हैं अच्छी तरह से। अब हमने राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट लेफ्ट अप डाउन एंगल से हमने ब्लो ड्राई करना है। कार पकड़ के रखे थे, राइट लेफ्ट और अप डाउन, यहाँ से भी दूर से राइट लेफ्ट और अप डाउन, अच्छी तरह से इसको हम ब्लो ड्राई करते जाएंगे। और मेरी कोशिश है जितने देखने वाले हैं उनको मैं रियल हुनर की टेक्निक बताऊं कि बेसिकली स्टाइलिंग या हेयर कट करना कैसे है। ऐसा ना करें कि क्लाइंट आपके पास हेयर कट करवाने आया और आप उसको इतना रॉन्ग तरीके से कट करें कि वो परेशानी में मुबतला हो जाए जी, और घर जाके भी कि मैं किधर चला गया। अच्छी तरह से हमने इसको सबसे पहले ब्लो ड्राई ठीक करना है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, जब हम ब्लो ड्राई रूट में ये जाता है ब्रश, वहां पे वॉल्यूम के लिए जा रही है ये वाला एंगल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ये एंगल, ये बिल्कुल माशाल्लाह वेरी नाइस भाई, हमारे डायरेक्टर साहब बिलाल भाई छा गए हैं। अच्छी तरह से हमने इसको ये करना है, हमने एंगल से ब्लो ड्राई करना है, और अच्छी तरह से हल्का सा इनवर्ड, ये जो मैं कर रहा हूँ ये इनवर्ड, इसको इनवर्ड बोलते हैं, बिल्कुल ये कलाई मूव होती है अंदर की जानब, ये इनवर्ड होता है, ठीक हो गया, हल्का सा इनवर्ट। और ये जो प्रोग्राम के दरमियान में आवाजें आ रही है ना, मैंने इनको पहले कहा था कंट्रोल रखिएगा, बिल्कुल, इसको हमने हल्का सा इनवर्ट रखा। इनवर्ट रखने के बाद हमने क्या करना है, ये है हमारी लॉन्ग लेयर और इसी के ऊपर हम कट करेंगे सीजर, इसी के ऊपर हम इनको जो लेयर, किसको कहते हैं लेयर हेयर कट, जो बिल्कुल आई आंख की जानब होता है, सही, उसको लेयर हेयर कट बोलते हैं, ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसको हमने अच्छी तरह से ऊपर की जानब यहाँ पे कट कर देना है उसी लेयर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, उनको मैं क्लियर करता चलूं, ये वाली जो लेयर है ये इसके ऊपर रखनी है, बिल्कुल पहली लेयर जहाँ कट हुई हुई है उसके ऊपर रख के हमने इसको ये कट करना है, क्लियर। तो इसको अच्छे तरीके से पिक करें और समझें। फिर हमने सेकंड क्या करना है, इसको ब्लो ड्राई ब्रश की मदद से हमने अच्छी तरह से ब्रश करते जाना है, दोनों लेयर्स को मिला के, दोनों लेयर्स को इकट्ठा पकड़ के और अंदर की जानब, ब्रश सीधा सीधा नहीं करना, ठीक, अंदर की जानब हमने इसको हल्का सा ब्रश को मूव करते जाना इनवर्ड, क्लाई की मदद से हमने इसको हल्का सा इनवर्ड मूव करना, सीजर चाहिए होगी, दोनों लेयर्स को इकट्ठा पकड़ के फिर हमने सीजर की मदद से इसको जो छोटे बड़े बाल है उनको कट कर देना। तो ये हमारी लॉन्ग लेयर, यहां तक जो लेयर होती है ये लॉन्ग होती है, ये आपके सामने यहां तक लॉन्ग लेयर है, इससे ऊपर जो लेयर होगी वो शॉर्ट हो जाएंगी, इससे ऊपर जो लेयर बनेगी वो शॉर्ट लेयर हो जाएंगी, वो फेस को सपोर्ट करने के लिए बनाएंगे। वाओ, जबरदस्त, आप खुद भी देखें कि कितनी मतलब एकदम से डिफरेंट लग रही है इनकी लेयर, बहुत अच्छी बनी है। सेकंड ये कि मैं तो फर्स्ट टाइम आज इसको देख रही हूँ कि मतलब कि हमने आज तक हमेशा जो है वो कॉम से ही कटिंग होते हुए देखी है, जी बिल्कुल, मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि हम हेयर ड्रायर को और ब्रश, गोल ब्रश को किस तरह से यूज करते हैं। पूरे मुल्क में ना कोई कॉलेज है इसका, इसकी पूरी एक एजुकेशन होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट होने चाहिए। आवाज उठाता हूँ कि इस काम को पढ़ के समझ के फिर प्रैक्टिकल करो, यहाँ जिसको कोई काम नहीं मिलता वो इसमें आ जाती ब्यूटीशियन बन जाते हैं, तो ये एक बड़ा जुल्म है। और फिर ब्यूटीशियन का काम वो होता है जो फेशियल करती हैं, काम वो स्टाइलिंग भी कर रही होती है, यानी स्टाइलिस्ट का भी काम कर रही होती है, मेकअप का भी काम कर रही होती है, और गेटअप जो क्रिएट करने वाले को वो भी काम करती है, होती ब्यूटीशियन है, यानी कि उनको इतना पता नहीं है कि डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, काम सारे करे जा रहे हैं। और अभी तो ये भी मैंने देखा है कि जिनके पास थोड़े पैसे हैं उन्होंने सैलून खोल लिया है, वो कपड़े बेचे साथ आपने खुद बचा लिया। तो भाई लोगों को हुनर डिलीवर करो, लोगों को हुनर चाहिए, सिर्फ दिखावा ये पकड़िएगा प्लीज। ये देखें, आज हमने कलर्ड स्मोकी आई मेकअप किया है,
पहले मैं मेकअप तो ऑलरेडी प्रॉपर पढ़ा चुका हूँ, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ऐसे करके दिखाते जा रहे हैं, ऐसे मत करो, ये ऑलरेडी कॉम जो है ना बहुत पीछे है, इसको रियल टेक्निक बताओ ताकि घरों में बच्चे जो आने वाले हमारी नेशन है वो काम को पढ़ के समझ के प्रैक्टिकल करे और लाइफ में आगे बढ़े। तो आप लोग इससे इत्तेफाक करते हैं स्टूडेंट, चलिए जी इसको अच्छी तरह से हमने दो तय करने और मैडम सक्रिय कमल से अभी मौजूद है, इनसे भी हम बातें करेंगे साथ साथ, अभी हम क्योंकि हमारा फोकस सारा आपके हेयर कट पे था इसलिए अभी हमने उनसे बात नहीं की। बिल्कुल अच्छी तरह हमने राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट लेफ्ट अप डाउन, आवाज में थोड़ी ऊंची सी करूँ क्योंकि ब्लो ड्राई की भी वॉइस चल रही है, तो इसको हमने अच्छी तरह ब्लो ड्राई करना है, ब्लो ड्राई करने के बाद हमने हेयर कट करना है। यहाँ लड़कियों को जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में इसी से सीख लो, तनकीद मतलब रॉन्ग चीजों में तो पड़े होते हैं लेकिन ये आज मैं आपके सामने प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, इससे पिक कर लो कि ब्लो ड्राई होता कैसे है, यानी लोग बातें करते हैं। तो ब्लो ड्राई का मैंने देखा है, के लिए पेश करता हूँ ताकि मैं रियल टेक्निक करके दिखाऊं इस फोरम पे, रोज न्यूज के फोरम पे, लेकिन लोग क्या करते हैं जैसे मैंने शुरू में आपको बताया उसका बाल इधर उधर मूव करते जाते हैं और काम करी जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा देखिए रमजान लोगों को ना हेयर ड्रायर जब करते हैं ना तो उन्हें ब्लो ड्राई का भी तरीके कार नहीं आता, ठीक है, और उसमें मोस्टली क्या होता है कि आधे से ज्यादा तो वो करने वाले के बाल ही टूट जाते हैं जो बेचारी कराने आती है। अच्छा ये बहुत बड़ी बात है, ये क्राउन दिखाइएगा प्लीज, यहाँ ये क्राउन है, अब जैसे जैसे मैं क्राउन की जानब जा रहा हूँ इसको क्राउन बोलते हैं, ठीक, तो बाल लंबे आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, यानी जो नीचे का बाल है हर लड़की का इन्होंने शॉर्ट छोड़ा होता है, और जो क्राउन है टॉप खून पीने के लिए क्रिएटिविटी ना कोई आए पाकिस्तान में वो यहाँ से जो है ना लॉन्ग छोड़ लेते हैं, लड़कियां कुछ अच्छा काम ना कर ले तो ये ब्यूटिशियन का कसूर है सारा। इसको हमने अच्छी तरह से ये हमने इसको ब्रश किया, सीजर चाहिए होगी, अब हमारी ये गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के ऊपर हम इस लेयर को रखेंगे और इसको कट कर देंगे, इसको जब मैं कट करूंगा तो हमारी लेंथ में फर्क नहीं आएगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, तो काम को पढ़ के समझ के फेस थोड़ा सा इधर कीजिएगा प्लीज, यहाँ पे थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, यहाँ पे हमने इस लेयर को कट कर देना, ये सीजर का रुख ऊपर की जानब होगा तो लेयर हेयर कट होगा, सीजर का रुख चेंज हो गया इस तरह हो गया तो स्टेप हेयर कट हो जाएगा, थोड़ा सा इधर हो गया तो इमो हेयर कट हो जाएगा। ओके, तो लोग क्या करते हैं बस शुरू कर देती है खत्म कहीं भी हो जाए, आपने काम का नाम ही नहीं पता होता कि मैंने किया क्या है, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं और रोज न्यूज के फोरम से ये कोशिश कर रहे हैं कि काम को पढ़ के समझ के प्रैक्टिकल करो और हमारे पाकिस्तानी मुआशरती निजाम में एक चेंज आए, एक पॉजिटिव चेंज आए, आवाज तो हम उठा रहे हैं लेकिन तनकीद भी हम इसलिए कर रहे हैं कि इस्लाह के लिए, इसको समझो ये आपके लिए प्रैक्टिकल किया जा रहा है, जितने रॉन्ग कर रहे हो खासतौर पर सुन रहे हो ये फिर ग्रुप्स में जाती है ना व्हाट्सएप, तो पूरे वर्ल्ड के ग्रुप्स हैं वहां पे भी लेसन पढ़ाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं ऐसे जैसे मैंने शुरू में आपको बताया उस सीक्वेंस से चलते जा रहे हैं, ये रियल हिनर की टेक्निक सीख लो, आपके सामने कर रहा हूँ, कम अज कम चेंज लेके आओ, ये आपके सामने लेयर होगी, ये शॉर्ट लेयर होगी और ये लॉन्ग लेयर होगी, ठीक है जी, लेकिन आप इससे इसको कट करने से लेंथ में फर्क है नहीं आया। जितनी ये तालियां बजा रहे हैं ना शौक से, अभी सबसे पूछती हूँ बारी बारी कितना समझ आया जी, बिल्कुल चेंज से भी पूछेंगे लाजमी, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में चेंज आए, ये स्टूडेंट को समझ आएगी, इनको समझ आ गई तो इसका मतलब है 1000 घर को तो समझ आ ही जाएगी, एटलीस्ट हमारे हेयर्स बच जाएंगे बाकियों के, बिल्कुल ऐसे 1000 से 2 होगा, 5-6 साल लगेंगे इस बात को ना इसकी एजुकेशन आने में। अभी एक और चीज भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गई है कि वो आपने देखा है कि मॉडल्स जो हैं अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने सैलून खोल लिए, माशाल्लाह कराची में जो लड़की आर्टिस्ट 2 दिन बन जाती है इधर कोई जानता नहीं होता, वो अपना पार्लर बना लेती है। मैं यही पूछने लगी, इवन मैं न्यूज़ कॉस्टर्स को जानती हूँ जिनके पार्लर्स हैं, मॉर्निंग शो कर लेती है तो वो माशाल्लाह फिर साथ बस आप ये इशारा मेरी तरफ से नहीं इतना नहीं कर रहा, ये जिस सेंटर से ये लोग कर रहे हैं वॉके करवाते हैं उनको बोल रहा हूँ एजुकेशन पे काम करो, अल्लाह पाक ने आपको एक फोरम दिया है इस नेशन के लिए, एजुकेशन का काम कर जो बाद में लोग आपको याद करें कि इसने हमारे मुल्क में एक चेंज लेके आए हैं, काम इंटरनेशनल मेकअप हेयर स्टाइल हेयर कट है क्या इसकी बात बताओ, सिर्फ भागती हैं माइक की तरफ मुंह पे मारती हैं ऐसे करती हैं इतनी इतनी माशाल्लाह। और जी कॉलर्स भी लेने हमें 7705123168 हमारे रابطے का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। रमजान साहब से सभा बात कर रही हूं, बात कर रही हूं रमजान साहब। ओके जी रमजान साहब एक मिनट बंद कीजिएगा जरा, हम कॉलर ले लें, हमें आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। रमजान साहब से मुझे बात करनी है। टाइम फिर ओके सबा, एक एक सेकंड आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। अच्छी तरह से आप आ रही है, अगर आप ड्राइव की आवाज बंद कर दीजिए तो एक मिनट होल्ड पे रहिएगा, सिर्फ ये ले हेल्प कर करना और टाइम को भी हमने मैनेज करना है और ये सब आपके लिए कर रहे हैं, ये सब आपके लिए है ताकि आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं। सिर्फ एक मिनट दीजिएगा प्लीज, एक मिनट के बाद आपसे बात करते हैं क्योंकि फिर सीजर का काम शुरू हो जाएगा, तो फिर हम आराम से बात कर सकेंगे। थैंक यू जी, कर सकते जी जी। सबा आप हमारे साथ हैं? जी मैं आपके साथ हूँ। अच्छा थोड़ी सी सबा की आवाज़ ऊंची कीजिएगा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जी सबा बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए मेकअप जो है ना, जो एक यंग लड़की है उसको तो मेकअप हर कोई कर सकता है, लेकिन ये बताएं कि अगर आपके आईज के नीचे रिंकल्स हैं या लाफिंग लाइंस की जो हैं तो उसमें आप किस टाइप का मेकअप करेंगे और स्टार्ट आप क्या करेंगे, जो सबसे डिफिकल्ट मेकअप वो होता है। जैसे बाकी जितने भी यंग की लड़की को बैठा देते हैं और मेकअप यंग लड़की पर कुछ भी लगाएगी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब एजेड होगी तो वो बताएं। बात सुनिएगा, आज आप हेयर कट से रिलेटेड सवाल करें, मेरा आप स्टार स्टाइलिश लिखें या रोज न्यूज लिखें, मॉर्निंग शो के मेरे मेकअप पड़े हुए, एक एक डिटेल वहां पे बताई जा रही है तफसील से। तो अच्छा वैसे थैंक यू सभा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, लेकिन सभा की एक बात जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए आप फोल्ड कर लें। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट टाइम सभा जो है वो ये कहना चाहती है कि यंग लड़की में तो हर कोई मेकओवर करके दिखा देता है और ये इजी है, लेकिन जो आपकी आई के जो रिंकल्स हैं और बाकी जो थोड़ी एज में चली जाती है 40+ के बाद जो है वो रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, उनकी बात भी ठीक है कि उस पर भी मेकओवर सिखाए। बिल्कुल उन्होंने बहुत बड़ी बात की है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम डिफाइन करें चीजें। आज मैं हेयर कट हेयर स्टाइल पे बात कर रहा हूँ, ये लोगों ने डिमांड किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप्स में, तब हम आज हेयर कट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपने बात बोली है, इंशाल्लाह ताला इस तरह का सब्जेक्ट लेके एक एक बात, उसको कैसे कंसीलर करना है, कैसे बेस बनानी है, कैसे कॉम्पैक्ट अप्लाई करना है, कैसे रिंकल्स को खत्म करना है, डिटेल से करूंगा, लेकिन अभी मैं ये चाह रहा था कि टाइम सेफ हो ताकि आगे हमारा टाइम खत्म भी हो जाता है, हम फुल लुक दिखा पाए। तो ये भी हम कोशिश ये कर रहे हैं, रियल टेक्निक आपको पूरी की पूरी लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, बातें हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम हुनर आपको दिखाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया सबा आपका, फीडबैक लाजमी दिया करें, अच्छा या बुरा, हमें फीडबैक आपका जो है वो चाहिए होता है। थैंक यू। अच्छे तरीके से हम इस साइड पर ब्रॉडर करेंगे, इस साइड पे हम ब्रॉडर करेंगे, सेम राइट लेफ्ट अप डाउन, ये डाउन एंगल है, ये हमारा डाउन एंगल है, इसको हमें अच्छी तरह से ब्रॉडर करना है। हमारी कोशिश एक ही है, काम को काम की डिटेल बताई जाए, आसान तरीका बताया जाए कि किस तरह आप आसान जैसे काम कर सकते हैं। अच्छी तरह से डाउन एंगल में ब्लो ड्राई करेंगे, ब्लो ड्राई करने के बाद अब हम सामने की जाने पाएंगे और ये ब्लो ड्राई करते हुए सामने ले आएंगे और फिर इसको कट करेंगे। अच्छी तरह से ब्लो ड्राई करेंगे, तमाम का तमाम से काम है आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखी जा रही, कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, सब कुछ आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा है। यानी कि एक चीज़ लोगों ने क्या कर दिया, अपनी बेसे बना दिए, अपने कपड़े बना दिए, यानी 200 रुपए की बेस 10,000 में बेच रहे हैं, तो हाँ। हमें ऐसी चीजों को भी नोटिस बेसिकली जो हमारा फोकस हो गया ना वो है कि हम मेकओवर बेच रहे हैं, जो हमारे पास आए उन्हें हमके मेकअप करवा भी लिए और मेकअप बेच भी दें, और साथ में जो है हम जो है वो कपड़े बेचना शुरू कर दें। लोग हुनर से पीछे चले गए और प्रोडक्ट में चले गए कि ये उसकी प्रोडक्ट है तो ऐसा होगा, गलत ना गाइड करो, गलत मत गाइड करो, आगे भी जाना है, हमेशा रियल चीजें डिलीवर करो जो लोगों के फायदे के लिए हो। बिल्कुल सही, हमें थोड़ा सा टाइम अगर आप दे दें तो हम आपके ऑडियंस से भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं उनके सवालों की तरफ भी आ जाएं। ये इसको हम कंप्लीट करने की जाने बात है, प्लीज तो टाइम देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वैसे ही 30 मिनट हो चुके हैं और 30 मिनट हमारे पास लेफ्ट है, तो हम चाह रहे हैं हमें कुछ सफिया से भी बातें करनी है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हम उनको साथ साथ करते हैं। अच्छा चले सफिया, मैं एक दो बातें आपसे भी कर लेती हूँ, साथ साथ वो सिखा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि स्टार स्टाइलिश जब आपने बनाया, बेसिकली इसके बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि इसकी कमी बहुत मुझे फील हुई थी माशरे में कि काम नहीं सिखाया जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं काम करूं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दूं ताकि लड़कियां आएं और वहां पे काम सीखें, प्रॉपर उनको हुनर सिखाया जाए, ताकि वो नेक्स्ट अपने हाथ में जब हुनर होगा तो वो काम कर सकेंगी, रोजगार कमा सकेंगी, घर बैठे भी ये काम कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं बाइज्जत तरीके से। इसको बनाने का मकसद ये है। बिल्कुल सही। अच्छा चलिए ये बताएं कि जब आपने फर्स्ट टाइम, जब अब मैं मेरा टाइम फर्स्ट है, मैं रमजान को पहली दफा काम करते हुए देख रही हूँ,
और मुझे काफी मतलब एक होता है ना कि इंसान खुश होता है कि चलें कोई तो है जो अच्छा काम कर रहा है. तो आपका बेसिकली उस वक्त क्या वो था जब आपकी रमजान से पहली मुलाकात हुई थी? जैसे अभी आपके एक्सप्रेशन थे, जब मैंने इनका काम देखा तो मैं हैरान हुई. मतलब रियल काम ऐसे है, इंटरनेशनल लेवल का ऐसा वर्क है. और हमें अपने माशरे में तो बहुत वो अजीबोगरीब सा हेयर कट है, तो बालों को भिगो के कट कर रहे हैं, कोई कहाँ से एंगल उठा रहा है, कोई कहाँ से, कोई पता ही नहीं है. सीखने भी जाएं तो भी वो प्रॉपर नहीं बताते, वो खुद ही कहते हैं ये कट करके दिखा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता. या अगर करवाया भी जाता है तो क्लियर नहीं वो समझ आती, या कभी बालों की कटिंग में फ़र्क भी होता है. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा माशरे में कमी देखी गई. तो मैंने फिर इसलिए इंस्टीट्यूट बनाया ताकि यहाँ पे आए लड़की इजीली काम सीखें, लड़कियों और लड़के दोनों आए और इसको काम को समझें, सीखें ताकि आगे रोजगार कमा सकें. बिल्कुल ठीक. अच्छा रमजान, मुझे आपसे एक बात पूछनी है. ये बताएं कि जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनके फुल कर्ल होते हैं, उनको ब्लो ड्राई के थ्रू करना ईजी होता है या वो मुश्किल है? जी, कर्ली बाल हो या बाल किसी भी तरह का हो, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आपको हुनर की टेक्निक आ जाए. सही. आपको हुनर की टेक्निक पता चल जाए कि ब्लो ड्राय को किस तरह से करना है, ब्लो ड्राय की हीट कितनी होनी चाहिए और ब्लो ड्राय ब्रश के एंगल क्या हैं, ब्लो ड्राय के एंगल क्या हैं, तो फिर आपके लिए ऐसा कोई भी इशू नहीं आता. बिल्कुल ठीक. क्योंकि बहुत सारी खवातीन, मैंने ये इसलिए सवाल पूछ लिया कि उनके हेयर कर्ली होंगे तो वो भी पूछना चाह रही होंगी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आज आपकी नुमाइंदगी कर दूं, मैं पूछूं ऐसी बातें. अच्छा दूसरी बात, मुझे आपने कहा अभी कि जो ब्लो ड्राई है उसकी हीट आपने कहा कितनी रखनी है, बेसिकली क्या कैसे पता चलता है? जैसे अब इनके हेयर हैं तो इस पे क्या कितनी रखेंगे, ये आपके आवाम के सवाल तो मैंने पूछ लिया. जी, ये ब्लो ड्रायर है. जब भी आपने ब्लो ड्राई को करना है तो ब्लो ड्राई के ये डबल जो है ना एंगल मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम पे रखना है रेड को, और ब्लैक से ऑन और ऑफ होता है. इसको ऐसे दरमियान में ऑन नहीं करना, इसको फुल ऑन करना. और कभी भी ब्लो ड्राई जब आप करें, लड़कियां जब ब्लो ड्राई करती हैं तो उनका इधर दुपट्टा आ जाता है, ये फट जाता है. कभी भी कई ब्लो ड्रायर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं इस तरह. तो ब्लो ड्रायर अपने आप से दूर रख के एंगल को समझ के करें. ब्लो ड्रायर दुनिया हेयर स्टाइलिंग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है. ब्लो ड्रायर वर्ल्ड क्लास स्टाइलिंग तमाम जो है वो ब्लो ड्राई की जाती है. आउटवर्ड, इनवर्ड, कर्ली, रूट्स कर्ल, वो तमाम हिस्से होते हैं. लेकिन पहले समझ के, पहले ब्लो ड्राई आपको उठाना आ जाए, करना आ जाए. ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लो ड्राई अभी पता भी नहीं है और लोग सिखाते भी नहीं है ना, लाइव आके बताते भी नहीं है जो आते हैं. तो वो सिर्फ अपना मामला चमकाए और चले गए. तो मैं ये बोलता इसलिए हूँ ताकि इसमें थोड़ा बहुत उनमें चेंज आ जाए. ज्यादा ना भी लेके आओ, आप लोग काम करो, लेकिन लोगों को तो कुछ सही बात बताओ. उलझाते हैं ऐसे गोल गोल चक्कर में, मत इनको घुमाएं. तो अच्छी तरीके से हमने ब्लो ड्राई करना है. इस तरह से हमने इस साइड पे ब्लो ड्राई ब्रश को करना है और ब्लो ड्राई ब्रश मैक्सिमम पे रखना होता है ब्लो ड्रायर को. और ये हमने ऑन किया. अभी ये एंगल देखें, मेरे से ब्लो ड्राई कितना दूर है, कितना दूर है, किस तरह मैं कर रहा हूँ. ये एंगल आप तमाम सीखने वाले जो है उनके लिए ये है. ब्रश कर लेना है ब्लो ड्रायर, और ब्रश करने के बाद हमने सीजर उठानी है. सीजर उठाने के बाद, अच्छा सर एक सवाल मैं आपसे भी कर लूं, मुझे ये बताएं सैरिश, आपने कभी फर्स्ट टाइम इस ब्लो ड्राई से कटिंग कराई है या फर्स्ट टाइम करवा रही हैं? फर्स्ट टाइम करवा रही हैं. मतलब आपने भी कभी ब्लो ड्राई से कटिंग नहीं देखी? जी नहीं. आप भी मेरी वाली साफ में है. मतलब इसका मतलब है पाकिस्तान में एक्सरिया जो है वो सिर्फ पतली वाली जो है वो कॉम्स होती है वो यूज करती है, और दो तीन सीजर्स लेकर आती है और उससे हमें बाल काट के हमारे पकड़ा देती है. बाल काट के तो फिर वो पैसे भी उस तरह लेती है. मैं कहता हूँ 200 की ना लो, 3,000-2,000 हेयर कट के ले लो, लेकिन प्रोफेशनल काम करो. जब आप किसी का काम प्रोफेशनल करोगे तो फिर आपके लिए इश्यूज नहीं होंगे. यहाँ पे जैसा काम करना है वैसे फिर करवाने वाले भी वैसे होते हैं ना. मतलब उनको अवेयरनेस भी होती है, तो हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं कि इसकी अवेयरनेस आए आज ना सही. अच्छा इसमें एक और मिथ भी है ना, खवातीन जब कहती है ना मर्दों को कि हमें पैसे दे दे, हमने कटिंग करानी है, वो कहती है हमारी कटिंग तो 300-400 में हो जाती है, तुम लोग की कटिंग इतनी महंगी क्यों है? अच्छी तरह से हम इसको ब्लो ड्राई करेंगे. ब्लो ड्राई अच्छी तरह से करने के बाद ये हमारी जो लेयर है ये लेंथ की लेयर है. ठीक, इसको हमने लेंथ के लिए यूज करना है. अच्छा आप अगर इजाजत दें तो आपके ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे कुछ सवाल इनके हैं तो पूछ लें साथ साथ. जी जी बिल्कुल जी. बिल्कुल ठीक है जी. कौन पूछना चाहता है सवाल, किसके हाथ में माइक है? हाँ स्टाइल से रिलेटेड, जिसके हाथ में माइक है. भाई माइक किधर है आप लोगों का? ये देखें जी माइक भी अपने पास. हाँ जी, कौन पूछना चाह रहा है सवाल?
मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरा क्वेश्चन सर से है। नेम बता दीजिए अपना। मेरा नाम आयशा है। आयशा आप इनके साथ स्टूडेंट हैं? जी जी। कितने अच्छे से स्टूडेंट हैं आप? मेरे थर्ड मेंट अभी स्टार्ट है मेरा। ओके बिल्कुल ठीक हो, आप पूछ सकती हैं आप सवाल। सर मैंने आपसे ये सवाल पूछना है कि जो लोग बाल भिगो के करते हैं कटिंग, और आप तो कह रहे हैं कि मतलब भिगोने नहीं है, ये गलत है, तो अगर हम भिगोएंगे और उसमें क्या फर्क आएगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि बाल भिगो के कटिंग करने में और इस तरह कटिंग करने में फर्क क्या आएगा? ओके डिफरेंट पूछ रही हैं बस इसलिए दोनों में। अभी जब मैं काम कर रहा था उस साइड पे, मैंने बहुत, आप सामने देखे प्लीज, आप ना उधर हो, उस वक्त मैंने आपको एक बात बहुत डिटेल से बताई थी कि जब आप बाल भिगो के कट करते हैं बाल चिपक जाता है आपस में। फिर लड़कियां क्या करती हैं, हर लड़की देख ले अपने बाल, फिर वो क्राउन लॉन्ग छोड़ देती हैं, पीछे से जल्दी जल्दी कट कर देती हैं। तो ये रीजन होता है भिगो के कट करने का नुकसान। अगर आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है तो आप बोले। ओके सर क्लियर हो गया। और जी यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, साथ दीजिएगा सुबह बखैर पाकिस्तान। अरे जी वेलकम बैक सुबह खैर पाकिस्तान। वेल जहां आप हेयर कट सीख रहे हैं वहीं पर अभी हमें ज्वाइन किया है जी एनी ने। अस्सलाम वालेकुम एनी, डिजाइनर हैं, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, अच्छी लग रही हैं आप। और आपको मजे की बात बताऊं कि आज जो मेरा ड्रेस है वो भी एनी का है, और इनका जो हमारे मॉडल है इनका मेकअप जो इन्होंने पहना हुआ ड्रेस ये भी एनी का है, और जो सफिया इनका भी ड्रेस एनी का है। ओके वेल और आज सबके ड्रेसेस जो हैं वो एनी के हैं। एनी से ये बताएं कि अपने ब्रांड का नेम बता दें सबसे पहले। एनजिया फैशन लाउंज। एनजिया फैशन लाउंज। ओके और कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह इस फील्ड में आपको? 4 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए। 4 इयर्स हो गए। अच्छा चलें, ये तो बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं और हमें पसंद आया। मैंने आज पहले आती तारीफ की थी, कलर टोन बहुत अच्छी है इसकी, ग्रीनिश सा लाइट सा कलर टोन है, और आपका अपना भी कलर टोन बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह से रमजान कटिंग कर रहे हैं इसमें जैसे हुनर है और ये इसमें मेहनत है, वैसे इसी सेम कपड़ों में भी सीखना पड़ता है कलर स्कीम्स वगैरह? डेफिनेटली हर काम में आपको होता है, उसमें ये कलर टेक्निक्स और प्रिंटिंग टेक्निक्स होती हैं, तो वो सारा का सारा मैंने अपनी फैशन डिजाइनिंग में सीखा था। अच्छा ठीक। अच्छा काफी ब्रांड्स के साथ मैंने हेड ऑफ फैशन डिजाइनर काम किया था, फिर अपना ब्रांड लॉन्च किया सिल्क हैंड। अच्छा फिर अपना जो है वो लॉन्च किया, पहले आपने सीखा सीखने के बाद, और हर चीज मेरे ख्याल में सीखने के बाद ही करनी चाहिए। अच्छा रमजान मुझे यहाँ पे बताइए, आप बैक कॉमिंग कर रहे हैं? बैक कॉमिंग करने के बाद इसकी कट होगा? नहीं बैक कॉमिंग अभी, क्योंकि मैं फाइनल लुक की जाने बाहर हूँ, तो आप बात कर रहे थे मैंने बोला बैक कॉमिंग कर दूं क्योंकि फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है, और मैंने वो फौरन जो है वो नजर घुमा के इस तरफ आ गई कि ये बैक कॉमिंग, और ये तो अब क्या होगा? जी बिल्कुल, बैक कॉमिंग के बाद इनको अच्छी तरह से पफ को सेट करेंगे और उसी के साथ हम फाइनल लुक की जाने। तो मतलब हमने इनके जो ये वाला एरिया था इसकी कट नहीं किया, कट कर दिया ना, शॉर्ट लेयर कट कर दिया। ये तो मैंने देख लिया, बताता हूँ। और जैसे हमने क्योंकि उस साइड पे मैं ये पढ़ा चुका था इस साइड की लेयर बनाना उस साइड पे, बिल्कुल इस साइड पे मैंने क्या किया उस लेयर को फौरन से कट किया ताकि हम अपने टाइम को मैनेज कर पाए और देखने वालों को फुल लुक भी दिखा पाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ये देखें ये वाली शॉर्ट लेयर थी। ओके बिल्कुल ठीक। अच्छा एनी आपने फर्स्ट टाइम ऐसी कटिंग देखी है या पहले देखी है? मैंने फर्स्ट टाइम देखी। आपने भी फर्स्ट टाइम? बस ये भी हमारे सामने हमारा पूरा मुल्क कोई भी डिपार्टमेंट है ये जुल्म है। पहले मैं सिर्फ काम सीखना नहीं चाहिए, काम को पढ़ के समझ के फिर प्रैक्टिकल करना चाहिए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आंखों ने देखा कर दिया, ये नहीं सही चीज। काम कोई भी डिपार्टमेंट है उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, और इसकी एजुकेशन है एंगल कहाँ पे रखना है, स्टाइल कैसे बनाना है। ब्रो ड्राई चाहिए होगा प्लीज, यहाँ से हम अच्छी तरह से इसको ब्लो ड्राई किया, ब्लो ड्राई करने के बाद फाइनली इसको मैंने सामने सेट कर दिया, और इसमें अभी मैं बैककॉमिंग कर चुका हूँ, ये देखिएगा प्लीज। सही सही बिल्कुल ठीक, ये इसकी लेयर्स बना चुका हूँ, जबरदस्त बहुत अच्छी लेयर है। चलिए इसमें तो मैं क्लैप कर देती हूं, बहुत अच्छी लेयर है। इसी के साथ हमारा जो टॉप क्राउन एरिया यहाँ पे जो मैंने बैककॉमिंग किया वो हल्का सा हमने इसको ओपन कर दिया, टेलकॉम चाहिए होगी ठीक। और जितने स्टूडेंट हमारे यहाँ सीखते हैं बैककॉमिंग का तरीका बता दें प्लीज, बहुत बाल तोड़ते हैं, सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, अपने भी मैं कराती हूँ इसलिए मुझे पता है। ओके अच्छा बैककॉमिंग पे आता हूँ, दोबारा करता हूँ, ये देखिएगा प्लीज इसको हमने क्या करना है, क्लोज कर दीजिएगा। हमारे यहाँ ज्यादातर बैककॉमिंग क्या करते हैं आजकल, तो वो उन्होंने आर्टिफिशियली साथ लगा दी ना इतने इतने बाल, ऐसे मत करें, नेचुरल। हम मैं जो मेकअप पढ़ाता हूँ वो वर्ल्ड क्लास मेकअप है, उसको आप नेचुरल कहीं भी करके जा सकते हैं। ब्राइडल मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत ज्यादा जो है ना इतने बड़े बड़े सर बना आगे भेजना होता है। अभी वापस आता हूँ बैककॉमिंग पे, ये क्लोज दिखाइएगा प्लीज। रियल बैककॉमिंग का तरीका होता है क्या, यहाँ हाइट चाहिए, ये हमारा माथे का फर्स्ट लेयर है, तो बैककॉमिंग करनी कैसे है, ये बालों को प्रॉपर ग्रिप में रखना है, इन बालों को ग्रिप में रखना है, और ये वाली ये देखिएगा मैं एक दफा बता दूं, ये ऐसे घूम के आएगी
यहाँ पे बिठानी है बैकों में। लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, लोग क्या करते हैं राइट और रॉन्ग दोनों चीजें बताता हूँ ताकि क्लियर हो सके। लोग क्या करते हैं ऐसे 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 इधर आते हैं, वो जब बैकोमिंग हो जाती है तो सर इधर आ जाता है। वो गलत तरीका है बैकोमिंग का, सही तरीका क्या है, और वो लाइव बता भी रहे थे ऐसे एक दिन मैं कुछ वॉच किया। ये देखिए सही तरीका क्या है, जो भी बात आपको पढ़ाई जाती है सिखाई जाती है पूरे वर्ल्ड में चैलेंजेबल है, जो भी गूगल पे भी, क्योंकि फॉरन गूगल किया जाता है ना, तो ये गूगल पे भी चैलेंजेबल है। ये हमने कॉम रखी और ये इसको बिठा दिया प्रेशर के साथ, ये बैकोमिंग करके बिठा दिया, ये बिठा दिया, ठीक। ये देखिए अब जहाँ बैकोमिंग चाहिए थी सिर्फ उधर है, ये मैंने लाइट बैकोमिंग की है। तो अगर नॉर्मली क्या करते हैं इधर की आती इधर है, ठीक। तो ये तरीका था बैकोमिंग का। अब मैं इसको सेटल करता हूँ फाइनली, क्योंकि पफ को भी कट करना है तो उस चैनल में आता। बिल्कुल ठीक है, आप स्टूडेंट की तरफ जाएंगे, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? सर से है कि सर पफ के बाल जो वो लास्ट में क्यों कट किए जाते हैं? हमेशा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि काम को पढ़ के समझ के फिर प्रैक्टिकल करें। तो जब भी कोई भी आप हेयर कट करें पहले उसका सीक्वेंस बनाए, लेयर टू लेयर बाल कट करें। जब भी आपने कोई भी हेयर कट करना है सबसे पहले बैक के बाल सेपरेट करें, फिर इस साइड के सेपरेट करें, फिर कान की लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर टॉप लेयर, और इस सुरानिया में जो आपका माथा है वो क्लिप होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट के ऊपर गिरा हुआ उसको यरगमाल नहीं बनाया होना चाहिए। मतलब इसका क्या हुआ, काम को पढ़ के समझ के फिर प्रैक्टिकल करें, पहले समझो करना क्या है। यहाँ शुरू कर देती है मेकअप या स्टाइल कुछ बन गया, ओके जी अब आपको क्लियर बात समझ आ चुकी है। ये हम फाइनल के लिए रख लेते हैं। अब मैं पफ पे आ रहा हूँ, आपको साथ बताता भी हूँ क्यों फाइनल के लिए हम पफ को रखते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है, अभी हमारे पास 100 ऑप्शन है, हम चाहे तो इसको बेबी कट कर दें, चाहे तो इसको लेयर में रख ले, चाहे तो हम इसको ईमो में ले जाएं। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास कुछ 7 मिनट है इसलिए आप इसको जल्दी से कट करके दिखा दें 7 मिनट में, ताकि ये ओवरलुक हो जाए बिल्कुल और हम फिर इसको देख सकें ये फाइनल लुक क्या है। जी बिल्कुल, ये हम फास्टली इसको कम्प्लीट करते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी हम काम करें एक तो आपको पूरी उसकी एजुकेशन डिलीवर करें, ऐसा ना करें कि उसको बस करके तो चले जाएं। बिल्कुल ठीक हो गया, हम थोड़ी बात उतनी देर में एनी से कर लेते हैं, आप ये जो है इसको करके दिखाएं। अच्छा एनी ये बताएं कि क्या मोटिव था, जैसे मैंने उनसे पूछा कि मकसद क्या था, क्या मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स मैं देखती हूँ, अब तो भरमार है डिजाइनर्स की, ठीक है। अब इस्लामाबाद क्योंकि हम वफाक में है तो दारुल हुकूमत में तो हमें ऐसे ही, क्योंकि अब थोड़ी सी एजुकेशन आ गई है, लोग पढ़ने की तरफ आ गए हैं, और डिजाइनिंग मेरे ख्याल में अब तो प्रॉपर इसके कॉलेजेस हैं, लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो इसका आप क्या डिफरेंट दिखाना चाह रही हैं? बेसिकली मैं ये चाह रही थी कि मेरा जो अपना पैशन है ना उसको मैं अपना कंटिन्यू रखूं, तो फिर इसी पैशन को कंटिन्यू रख के अपने मेन फोकस की है। और अच्छा दूसरों से क्या डिफरेंट कर रही है, मतलब बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप क्या डिफरेंट दिखाती हैं? कलर कंट्रास्ट मेरा चेंज होता है। अच्छा कलर कंट्रास्ट डिफरेंट होता है, लाइक जैसे अभी मैंने भी पहना है। अच्छा ये बताएं जो कलर टोन वेरी करते हैं ये क्या डिफरेंट होते हैं, मतलब सर्दियों के कलर टोन डिफरेंट है, गर्मियों के डिफरेंट होती है, स्प्रिंग की चेंज होती है, सर्दियों की चेंज होती है, समर की चेंज होती है। आपकी जो क्लासेस हैं उनका टाइम पीरियड मुझे बता दें एक तो क्या है, और कितने अरसे के बाद एडमिशन्स होते हैं आप लोगों के? एडमिशन्स हमारे ओपन हैं और 25th of March तक जो है वो 15% ऑफ चल रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने भी एडमिशन लेना है तो वो रब्ता कर सकता है, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा एक साथ मुझे ये भी बता दें, मैंने आपसे पूछा कि क्लासेस जो है आपकी वो कितनी टाइम ड्यूरेशन की होती है? 4 मंथ का जो होता है बड़ा कोर्स होता है, इंटरनेशनल प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिंग और हेयर कट एक्सपर्ट का, गेटअप मेकअप आर्टिस्ट का। बिल्कुल ठीक हो गया। तो 4 मंथ जो है वो आप इसको सिखाते हैं? जी जी 4 मंथ में, ठीक। एक 1 ईयर का है जो बहुत बड़ा कोर्स है जिसमें हर कुछ सिखाया जाएगा, ठीक जी। सही हो गया, तो हम रमजान की तरफ वापस आते हैं। मैडम ने एक वर्ड बोला कि इंटरनेशनल, हम जो बात करते हैं इंटरनेशनल वर्क, फिर इंटरनेशनल ही सिखाया जाता है, वो पाकिस्तानी नहीं, लाल नीला पीला खट्टा वन शेडो रखा पूरी हड्डी व्हाइट कर दी वो वाला नहीं। इंटरनेशनल जो ग्लैमराइज मेकअप होते हैं रियल मेकअप वो सिखाते हैं, टाइम को भी याद रखूंगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है तमाम बातें पहले हमारे देखने वालों को भी समझ आनी चाहिए कि कौन सा मेकअप किस लेवल का है। मतलब ये इशू है ना, पता भी नहीं होता कि मेकअप है कौन सा। किसी भी सैलून पे चले जाए ना तो वो ब्यूटिशियन का वर्क सिखाते हैं, लेकिन हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल वर्क सिखाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो
अभी अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए अभी जो है वो एडमिशन ओपन है, एडमिशन ओपन है और 15% ऑफ भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, 15% ऑफ है और एडमिशन ओपन है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आप नंबर देखिए और कॉन्टेक्ट कीजिए। फेसबुक पे भी पेज है हमारा है, यूट्यूब पे भी है हमारा चैनल है, वहाँ पे स्टार स्टाइलिश आर्ट इंस्टीट्यूट लिखेंगे तो आपको हमारे सभी जितने भी डेमोज वगैरह हैं, शोज वगैरह हैं, वो आपको मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। लास्ट हमारा टफ था जो लड़के ने भी सवाल पूछा था, ब्लो ड्राई ब्रश चाहिए होगा। अब बेटा ये देखो हमारे पास फुल ऑप्शन है, हम इसको चाहें तो लेयर में कट कर लें, चाहे तो इसको हम बेबी कट स्ट्रेट कट कर लें, चाहे तो हम इसको दोनों साइडों पे लॉन्ग लेयर या इमो कट कर लें। ठीक, ये रीजन होता है काम को पढ़ के समझ के करने का। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, चले जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे मुझे पफ में एक बात बता दें, लोग राइट या लेफ्ट में रखते हैं वो अपनी मर्जी पे होता है या इसका हम कट पे डिपेंड करते हैं? नहीं, वो अपनी मर्जी से होता है, ठीक है। लेयर नाम होता है, अगर लेयर में कट करना है तो लेयर आ रही होगी, ठीक, उसका नाम होगा, लेकिन उसके बाद आपने रखना चाहते हैं अगर साइड पे, अगर आपने बेबी कट करवाया देखे तो फिर आप ऐसे रखेंगे लाजम। अगर इसका कोई डिफरेंट एंगल से कट करवाया तो वो उसको आप कैरी कर सकते हैं। फाइनल आता हूँ जिसको कट करने की जानत जी। बिलाल भाई माशाल्लाह बहुत बड़ी एफर्ट करते हैं हमारे साथ है। आप जितने भी देखने वाले हैं फीडबैक लाजमी पहुंचाया करें, बहुत बड़ी एफर्ट की जाती है। आपको एक एक शॉर्ट क्लोज दिखा के बताया जाए, समझाया जाए, बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन इंशाल्लाह अब हमारी कोशिश होगी कि रेगुलर आपके पास आया जाए और रेगुलर जो शोज को कंटिन्यू किया जाए। हाँ, एटलीस्ट तो, आज मुझे इतना पता चल गया कि नेक्स्ट टाइम मेरी कोई कटिंग कर रहा होगा तो मुझे समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यही हम काम कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ी, इसका मकसद ये हुआ कि आज के हमारे शो का मकसद वो जो है ना पहुंच गया लोगों तक। बिल्कुल, यानी अगर आपको ये बात पता चल गई कि कौन बंदा काम कैसे कर रहा है तो फिर कामयाबी आज से शुरू। बिल्कुल, और इसी तरह से आपके जितने स्टूडेंट हैं उनको भी पता चल गया। जी बिल्कुल, इनको भी पता चल गया होगा कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, और अगर आप समझ के भी गलत करें तो वो फिर आप पे है। क्या बात को समझ के, हमारी कौम ऐसी भी है ना कि काम, क्योंकि फिर काम जान छुड़ाते हैं ना, काम प्रॉपर नहीं करते, चीजें डिलीवर नहीं करते, तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि अपने चीजों को, काम को पढ़ के समझ के फिर प्रैक्टिकल करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो इसको हमने ये अच्छी तरह से, ये हम इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। ये अभी मैंने सारा ब्लोड इनवर्ड किया है, ये फाइनल जो हमारी लेयर है इसको मैं आउटवर्ड कर रहा हूँ स्टाइल के लिए। काटिए हो चुका होगा अभी ये, इसको हमने आउटवर्ड ब्लो ड्राई करना है। दुनिया हेयर स्टाइलिंग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है ब्लो ड्राई की हेयर स्टाइलिंग, और जब भी कट करना है सब्जेक्ट के ऊपर बार बार कहता हूँ बाल नहीं फेंकने, यानी आप भी कट करवाने जाती होंगी, वो और भी लोग करते हैं, सिर्फ उनका नहीं, वो इधर उधर बाल फेंक के बंदा परेशान, पता नहीं किस अजाब में पड़ गया। और वो मेरे जैसे तो दो मिनट बाद यूं कर रहे होते हैं, पीछे कर ले, यहां से पीछे कर ले, यहां से पीछे कर ले, साथ भी सेम करते हैं। जेंट्स हेयर कट करवाने चले जाते हैं, मैं तो फिर जाता ही नहीं हूँ, वो इधर से ऐसे करते हैं, ऐसे पकड़ के, बंदा किसी सोच में होता है उसको इधर कर देते हैं, मतलब समझ के काम ही नहीं तरतीब से करते, बस इनको चाहिए पैसा फौरन फौरन मिल जाए, चाहे वो बेस बेच के मिल जाए, चाहे वो जनाब लहंगे बेच के मिल जाए। आपके लिए नहीं कह रहा ये, मैं कुछ लोगों के लिए पॉइंट उठा रहा जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो पैसा आना चाहिए, लेकिन पैसे के साथ इसके लिए कुछ हमें करना भी चाहिए। अच्छा देखिए, अब आवाम भी तो शऊर आता जा रहा है, अब जैसे हमने आज सिखाया ये शऊर है, अब आवाम को नेक्स्ट टाइम पता चल गया कि हमने बेवकूफ बनना है या नहीं बनना। बिल्कुल आपने ठीक बोला, ऐसी मैडम सफिया कंवल साहबा ने ये एफर्ट शुरू की और आज ये एफर्ट पूरे जो है ना दुनिया में जा चुकी है, पूरे वर्ल्ड से हमें फीडबैक आता है, जितने लोग कॉल्स करते हैं उन सब का बहुत शुक्रिया, और ये हमारी आज की जो फाइनल लुक है। ओके वेल, बहुत अच्छी लुक, जबरदस्त। इस तरह से आपने इसको कट कर दिया, अच्छा लगता है। मैडम सफिया ने बहुत दफा देखी है इसलिए उन्होंने क्लाफ नहीं किया था इस पे। जी इसको हमने अच्छी तरह से, ये हमने इसको कट कर दिया और ये आप सबके सामने ये कट, इसको आप क्लोज दिखा सकते हैं। एक दफा मैं कपड़ा इसको उतार दूं ताकि ड्रेस जो है वो भी क्लियर हो जाए, क्लियर हो सके, और साथ में हम जो है वो इनकी कट भी हमें क्लियर हो जाए, हमें इनका कट जो है वो समझ आ जाए, बेसिकली इनका जो कट था हमारा कट वो क्या है। और इस सारे काम के दौरान सब्जेक्ट को इरिटेट, दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं किया गया प्रॉपर डिटेल से, एक एक चीज की गई है, छोड़ दे उसको ज्वेलरी को, अभी हम ये इसको हमने अच्छी तरह से ये फाइनल सेट करने लगा हूँ। ओके बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। जो इधर उधर खड़े खड़े बाल है उनको भी हमने ये सेट कर दिया। ओके जबरदस्त जबरदस्त, ये देखिए बहुत अच्छी से और तरतीब से बहुत अच्छी लेयर बैठ गई है, मतलब जैसे हम चाहते हैं कि लेयर्स प्रॉपर आए वैसे प्रॉपर लेयर तरतीब से, और कोई इसमें उलझाया नहीं है। लड़कियां काम सीखने जाती हैं वो पता नहीं डिग्रियों में उलझा देते हैं, कहते हैं जी 300 डिग्री पे कट करो, 800 डिग्री, व्हाट इज दिस, मतलब रियल आसानियां पैदा करो। पैसे मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। आप क्या कहती हैं, इस कॉम के लिए कोई तो काम कर जाए, जो जिस डिपार्टमेंट आपका इंस्टीट्यूट बनाने का होनी चाहिए। हाँ।
जी जो जिस डिपार्टमेंट में बैठ जाता है वो चाहता है कि किसी और को बात ना पता लग जाए। बिल्कुल जी, पूछे तो मैंने आज तक किसी को ऐसे कट करते हुए नहीं देखा। मेरा आपसे, मैं आपके दिल की बात जानना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके माइंड में ये बात क्यों कर आई कि ब्लो ड्राई से कटिंग होनी चाहिए। ओके चलें जी। अच्छा, जितना भी काम है, कोई भी बात है, कोई भी काम है, मेरा ये मानना था कि कोई भी चीज है उसको समझ के किया जाए, पढ़ के। मैं जब देखता था कट, जैसे मैंने शुरू में करके दिखाया, ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, पूरे बाल ऐसे सामने फेंक देते हैं। आप कॉमन सेंस से सोचो, वो सही है। बिल्कुल जी, जल्दी से एक और पीछे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जल्दी से दे दें। जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर, मुझे ये क्वेश्चन करना था कि हम, आपने कहा कि कोई भी कटिंग करेंगे तो इनवर्ड से मतलब करेंगे, तो कोई भी हम अगर करना आउटवर्ड में करना चाहते हो तो हम कोई भी कटिंग आउटवर्ड में कर सकते हैं? नहीं, कट जब आप करेंगे तो इनवर्ड ही करेंगे, लेकिन स्टाइलिंग जब आप करेंगे उसको आप आउटवर्ड कर सकते हैं, इनवर्ड कर सकते हैं, कर्ली कर सकते हैं, वो तमाम ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। लेकिन जब आपने कट करना है तो कट आपने हमेशा बालों को इन करके करना है। सर, मैंने आपसे पूछना था कि अभी तो आपने कट किया है ना, तो आपने प्रॉपर उसके ब्लो ड्राई करके सेट भी किया है और बैक कॉम्बिंग भी की है, लेकिन घर में जब ये वॉश करेगी बाल तो फिर क्या इनकी स्टाइलिंग बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही दिखेगी? 100% ऐसी रहेगी, चैलेंज के साथ। किस तरह? क्यों? क्योंकि इनके जो क्राउन के बाल है ना, वो शॉर्ट हो चुके हैं। क्राउन का बाल अपनी जगह पे गिरेगा, वॉश हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे। ठीक, ये अपनी जगह पे गिरेगा, ये अपनी जगह, लेयर अपनी जगह। पहले क्या हो रहा था, क्राउन की लेयर ऊपर गिरती थी और वो दब जाते थे। बिल्कुल, पॉइंट क्लियर हुआ। ओके थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और थैंक यू एक दफा क्लैपिंग करें जी इतनी अच्छी स्टाइलिंग के लिए, बहुत अच्छी स्टाइलिंग है। और स्टाइलिश खुद कैसे फील कर रही है, जल्दी से एक पॉइंट दे हमें, दिखा दे प्लीज इनको, ये आप देख लीजिएगा पहले, आप अपनी लुक भी देख लें कैसे खुद को, चले जबरदस्त जबरदस्त, तो ये फिर अच्छा हो गया। हमेशा कोशिश करें, जितने हमारे देखने वाले हैं आप सब फीडबैक पहुंचाते हैं, आपका शुक्रिया। शो का फीडबैक आप लाजमी दिया करें, इससे हमें पता चलता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन की बात करते हैं कि काम को पढ़ के समझ के फिर प्रैक्टिकल किया। बिल्कुल ठीक, थैंक यू रमजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सत्या, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे ड्रेसेस हमें पहुंचाए और आज हम बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और वेल, आज का जो प्रोग्राम था जिसका मकसद था वो ये था, हम आपको दिखाना चाहते थे, जैसे रमजान ने बार बार एक बात को रिपीट किया कि एजुकेशन, ठीक है, पढ़ना कितना जरूरी है आपके लिए, कि आप एक चीज को समझें, समझ के स्टाइलिंग को कुछ सीखें, और सीखने के बाद आप जरूर, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दिनों रात में पैसा आ जाए, आप जरूर कमाएं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी क्या है, उसके लिए सबसे जरूरी है कि एजुकेशन लें, आप सीखें काम को सीख कर, ताकि जो दूसरे जो आपके पास आ रहा है उस बेचारे के साथ भी इंसाफ करें, वो भी प्यारा लग के अपने घर जाए, ना कि वो और परेशान हो जाए कि मेरी आज कटिंग अच्छी नहीं हुई और मैं अच्छा नहीं लग रहा। तो ये आज मकसद था हमारे प्रोग्राम का। हाँ, दिखाना मकसद, दिखा बहुत से रहे हैं, प्रैक्टिकल करके पढ़ाना, सिखाना और करके एंड पे दिखाना, एंड करके, यानी ये पॉइंट ही नहीं समझ आ रहा ना, कंफ्यूजन हो गई। पहले काम को पढ़ो, समझो, फिर प्रैक्टिकल करो। बिल्कुल ठीक हो गया, अब आप लोगों को पता चल गया होगा, और जिनको नहीं पता चला वो आप रमजान का जो नंबर है वो नीचे आ रहा है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई सवाल जो आपसे रह गया हो आप हमारे फेसबुक पे हमसे पूछ सकते हैं, हम जो है वो रमजान से पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आ रहे हैं नीचे। और जैसे उन्होंने बताया, अगर कोई एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं उसके नंबर भी आ रहे हैं, 50% ऑफ चल रहा है, आप एडमिशन ले सकते हैं, मेक ओवर का एडमिशन, हेयर कट का एडमिशन, ये सब आपके नंबर जो है वो नीचे स्क्रोल पे आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने ये काम किया है, ये तमाम इधर स्टूडेंट से ये प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर कि इसको कैसे आपने प्रैक्टिकल करना है, गलत करती है फिर उसको ठीक करवाया जाता है, इसको ऐसे करो, एंगल एंगल ये रखे, कट ऐसे करें, ऐसे करें। बिल्कुल ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खत्म हो गया हमारा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।